मैं हेल बुगो और स्वागत है आप एक और शानदार सी वीडियो में। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक, और माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक की मेरी पहली वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे, जो कि मैं एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वन ब्लॉक की। बिकॉज मैं एक वन ब्लॉक बनाना चाहता था काफी दिनों से, मैंने आज तक वन ब्लॉक खेला नहीं है, बस कभी कभी देखा है बंदों को खेलते हुए। तो मैं ट्राई करूंगा एकदम परफेक्ट से परफेक्ट वन ब्लॉक बनाने की, क्योंकि मैंने देखा है यार थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को भी, मैं 2 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, कि बंदे कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं वन ब्लॉक में। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक भी गलती ना करूं ऐसी, और एकदम परफेक्ट वन ब्लॉक बनाने की ट्राई करूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है परफेक्ट बनाना, पर जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बनाने की ट्राई करूंगा। और भाई हम इस वन ब्लॉक को एकदम सबसे अच्छा वन ब्लॉक बनाने वाले हैं, एकदम बेस्ट वन ब्लॉक जितना मेरे से हो पाएगा। तो फटाफट से माइंड करना चालू करते हैं। मैं स्टार्टिंग में डट मिल रही है, ये तो ट्यूटोरियल है, आई थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगे यूट्यूब पे, आई नो मैं जानता हूँ इस टाइम पे तो सबको पता है भाई वन ब्लॉक क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो फटाफट से हम इससे लॉग बना लेते हैं, और इससे मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ पहले। ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली, और अब देखो निंजा टेक्निक दिखाता हूँ तुम लोगों को। अरे एक मिनट रुको, ये देखो रख सकते हो आप ऐसे चेस्ट के ऊपर क्राफ्टिंग टेबल, भाई बात है मेरी। चलो फटाफट इसको हटाते हैं क्राफ्टिंग टेबल को, और थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि भाई इस वन ब्लॉक का पता नहीं है। अरे एक मिनट रुको, ये हटानी पड़ेगी। हाँ हट जा, मुझे लगा मैं नीचे गिरिया, मैंने इसलिए जंप करा। ओके एक इधर एक इधर एक इधर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अभी पिक भी आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पिक कोई गिर जाए नीचे, क्योंकि भाई एक भी एनिमल को मैं गिराना नहीं चाहता। चलो हमारा बड़ा हो गया फटाफट से, इसको फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं माइन करता हूँ, थोड़ा सा इनिशियल जितना माइन होता है मैं उतना माइन कर लेता हूँ एक बार फटाफट से। A few moments later. तो गाइस हमारे पे मैं माइन कर रहा था, और मेरा यहाँ पे पिग आ चुका है, और भाई वो गिरने वाला है, भाई वो कहाँ पे खड़ा उसको भी नहीं पता। एक मिनट रुको, मैं उसके लिए फटाफट से प्लेटफॉर्म बड़ा कर देता हूँ, भाई ये ना जाए बस। चलो भाई हिलना मत, देख दोस्त आराम से, इजी लाइफ, ये यहाँ पे लगेगा नहीं ना, आई थिंक मुझे लग रहा है वहां पे नहीं लगेगा। अच्छा चलो लग गया, इजी। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइड से भी, हर साइड से दो दो साइड का बड़ा कर देता हूँ, इतना आई थिंक काफी रहेगा। अब उस साइड से करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा वुड अभी वेस्ट करना चाह नहीं रहा, क्योंकि इसके आसपास में कुछ बनाने नहीं वाला ना इस वक्त। मैं थोड़ी लेयर्स निकालूंगा और वहां पे अपने चीजें बनाऊंगा, और भाई मैं यहाँ पे डर्ट यूज नहीं कर रहा, वैसे तो मैं डर्ट यूज कर सकता था बट मैं नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे डर्ट किसी काम में नहीं आती। तो फटाफट से एक काम करता हूँ टूल्स, अरे चलो टूल्स के लिए तो वुड नहीं है, चलो टूल्स बनाता हूँ मैं फटाफट से थोड़े से, और इसको जल्दी से माइंड करता हूँ। तो गाइस हमारे यहाँ पे चेस्ट आ चुकी है, मेरे को यहाँ पे मिले सीड और एक ओक सैपलिंग, मेरे पास दो की हो चुकी है, तो अभी इसको फटाफट से इसको भी लगाना पड़ेगा नीचे, और भाई अभी तो नीचे वाटर भी लगाना है। रुको इसको बना ही लेता हूँ मैं टूल्स, बुक खोलो भाई, इतना टाइम किसके पास है, इजी लाइफ। तो वैसे हमारे पास चेस्ट आ चुकी है, जैसा कि मेरे को लग ही रहा था कि ये वाटर बकेट वाली चेस्ट आएगी, तो फटाफट से इसको नीचे लगाते हैं, यहाँ से एक माइन करता हूँ। एक मिनट रुको, इस पे खड़ा होकर अगर मैं माइन करूंगा तो ये मेरे को वापस मिल जाना चाहिए, मिल गया, देखा चीजें वेस्ट नहीं करने का दोस्त। चलो पिग्गू दादा तुम यहीं पर रहना, मैं नीचे, अरे एक मिनट रुको इसको हटाना पड़ेगा पहले, तो नहीं छोड़ो इसके साथ ही मैं लगा दूंगा, मैं तो भूल गया था यार मैं प्रो हूँ। अरे रुको लग गया, इजी लाइफ। अब यहाँ से अपना वाटर वापस ले लेते हैं, क्योंकि भाई बड़ा महंगा है वन ब्लॉक में वाटर, जब तक मेरे पास इनफाइनाइट नहीं होता तब तक। तुम और यहाँ पे स्लैब वापस से लगा देता हूँ, और अब इसको फटाफट से माइंड करके इसकी जो हमारी फर्स्ट फेज होती है वो अनलॉक करने का ट्राई करता हूँ आज मैं, क्योंकि आज पहली वीडियो हमारी तो मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो फटाफट इसका फर्स्ट फेज खोलते हैं हम थोड़ा जल्दी करके। चेस्ट आ चुकी है, इसमें से मेरे को कुछ लोग मिले हैं, एक टॉर्च मिली है और एक ओक सैपलिंग मिली है, और अब हमारी शायद तक फेज कंप्लीट होने वाली है। तो हमारी फर्स्ट फेज यहाँ पे खुल चुकी है, तभी मैं क्या करने वाला हूँ इन ओक सैपलिंग्स को यहाँ पे लगा देता हूँ। एक मिनट को थोड़ी सी स्लैब बना के थोड़ा सा एरिया एक्सपेंड कर लेता हूँ अपना।
लेटर। फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़े से ट्री लगा दिए ग्रो करने के लिए, ताकि ग्रो हो जाए हमको यहाँ से वुड मिले। देखो मैंने डर्ट को ऊपर लगाया ताकि मैं डर्ट को बाद में निकाल सकूँ, क्योंकि हमारी परमानेंट जगह नहीं होने वाली ना। और इधर मैंने एक मस्त सा स्ट्रक्चर बना दिया है, यहाँ पे हम अपना बांध बनाने वाले हैं आज पहले दिन, क्योंकि जैसे मैं इसको अभी इसको जैसे खोदना चालू करूंगा ना, तभी बहुत सारे पिक और आने वाले हैं, तो मैं उनको जल्दी से इसमें रख दूंगा आज के दिन, ताकि थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो जाए अपनी। तो फटाफट से मैं इसको थोड़ा माइन करता हूँ और थोड़ी वुड निकाल के पहले उसको कंप्लीट करता हूँ। तो गाइज हमारे यहाँ पे एक और दूसरा पिक आ चुका है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे को पहले वो वाला एरिया बना लेना चाहिए। तो मैं फटाफट से थोड़ी और वुड जमा करता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 7 लॉग्स ही हैं, इतने से तो भाई वो फिल नहीं होने वाला भाई, तो हट जाओ थोड़ा सा। चलो फटाफट इसको माइंड करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, करो भाई। तो फटाफट इसको माइंड करना चालू करते हैं। 6 hours later एकदम एपिक मोमेंट हो रखा है भाई, सनराइज देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुको दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है सनराइज। और उधर देखो हमारा कहाँ पे गया भाई, ये देख लो भाई मून को देखो भाई, मून नीचे जा रहा है। चलो भाई कितना मस्त लग रहा है, इन शेडर्स में काफी अच्छे लगते हैं ये वाले शेडर्स मेरे को। तो चलो फटाफट से अब इसमें से, तभी थोड़ा सा एरिया और रह गया, वो मैंने यहाँ पे काव आ चुकी है, तो थोड़ी सा अगर गुड हम माइंड करें और इतने में ट्री भी आई थिंक ग्रो हो जाएंगे, तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। और मैं सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं सबको डाल दूंगा अंदर। कैसे डालूंगा देखो, कैरेट चाहिए होगी इसको डालने के लिए, कैरेट हमको मिल जाएगी आई थिंक थोड़ी देर में, देखते हैं भाई। तो हट जा यार भाई। ओ भाई नीचे भाई, वो कहाँ पे खड़ा हो गया यार, वो बस गिर ना जाए। हमारे दो काव आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी मेरे को जल्दी से एरिया बनाना पड़ेगा वो वाला। तो फटाफट से मेरे को आई थिंक इनफ हो चुका है, तो चलो इसको कंप्लीट कर ही देते हैं और फिर इन सबको मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली हमने काफी थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है, फर्स्ट डे के हिसाब से काफी अच्छा है। फूड की हमको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं फूड फार्म ही बना देता, पर वन ब्लॉक में आई डोंट थिंक मेरे को फूड की इतनी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई ज़ॉम्बी तो आने नहीं वाला मेरे को मारने के लिए। और आई थिंक फर्स्ट फेज में तो नहीं आएगा, जब तक स्टोन वाली चालू नहीं होती तब तक नहीं आएगा, तो तब तक आप आराम से एकदम चिल कर सकते हैं गाइस, चिल। तो तब तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना लूँगा, अगले वाले एपिसोड में मेरा कुछ प्लान है कुछ अच्छी सी चीज़ बनाने का। तो भाई जिन जिन को ये पहला एपिसोड देख रहे हैं और जो लोग अभी तक देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट से इसे कंप्लीट करता हूँ भाई, ओ मेरे को लगा नीचे गिर जाएंगे। अरे यार अभी भी थोड़ी कम बच गई, जिसको फटाफट से कंप्लीट करके और अपने सारे सारे एनिमल्स को इसमें डालता हूँ मैं जल्दी से। तो गाइस मैंने यहाँ पे वीट उगने के लिए लगा दिया, ताकि जल्दी से ये वीट उग जाए और हम अपने काव को अंदर डाल सके, क्योंकि वीट से हम जल्दी से इसको अंदर ले पाएंगे। और पिक्स के लिए तो भाई मेरे को कैरेट पता नहीं कब मिलेंगी, तो पिक्स के लिए तो भाई यार चलो अपना पहला ट्री उग चुका है, फटाफट से इसकी लॉग निकालते हैं और आई थिंक ये इतनी काफी रहेंगी। अब हम फटाफट से अपनी जो हमारे वो वहाँ पे बांध बचा हुआ उसको कंप्लीट करते हैं। और भाई इसकी लीव्स गिरेंगी ना पक्का, ठीक है चलो एक काम करते हैं इसमें से निकाल लेते हैं काफी सारे लॉग्स और इनसे उसको फटाफट से कंप्लीट करके आते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पे कुछ चिकन्स आ चुकी हैं और मैंने अपना पूरा फार्म जो वहाँ पे था वो पूरा कंप्लीट कर दिया, तो फटाफट से इनको लेके चलते हैं। और भाई ये शीप को भी अपने साथ, चलो ये आ गई, अभी आराम से इनको लेके चलते हैं। अभी देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बिकॉज मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मेरे को स्लैब हल्की से ऊपर लगानी थी, मैंने थोड़ी नीचे लगा दी, बट कोई नहीं यार सही लग रहा है ये मेरे हिसाब से, इतना बुरा भी नहीं लग रहा फर्स्ट डे के हिसाब से। चलो इनको अंदर डाल दिया और अभी से कर देते हैं मत, और अभी बाहर नहीं निकल सकती। अब मैं इसी के अंदर रख दूंगा आई थिंक, क्या रखूंगा पिग भी इसी में रख दूंगा, या फिर मैं हो सके तो यहाँ पे एक और नया बना दूंगा, देखते अभी क्या करना चाहिए हमको। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग लगाने का ट्राई करता हूँ, जो कि मेरे में नहीं है पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा। देखो बात ऐसी है, मेरे को पिक को अंदर डालने के लिए चाहिए कैरेट, कैरेट के बिना तो भाई नहीं हो पाएगा, चार पिक है भाई नहीं हो पाएगा, और इनको डालने के लिए तो वहाँ पे अपना इंजाम हो ही रहा है। तो फटाफट से कैरेट का इंजाम करते, देखते इसमें से मेरे कैरेट मिलती है या नहीं, वरना फिर पिक के कुछ और सोचेंगे। तो बस फाइनली मुझे कुछ काम का सामान मिल चुका है और आई थिंक ये वाली कैरेट काम करेगी क्या, मुझे एक कैरेट तो मिली पर यार ये गोल्डन कैरेट मिली है भाई, भाई जब सिंपल कैरेट चाहिए थी तब भाई गोल्डन कैरेट मिली है यार चेस्ट में, कितनी गंदी किस्मत हो सकती है किसी की। चलो कोई ना फटाफट से थोड़ी और माइनिंग कर, ओ भाई ये लो
फेज खत्म हो गया और भाई अगले फेज में मैं अभी माइनिंग नहीं करने वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं शीप और अपने काउस को अंदर डाल देता हूँ इसकी मदद से। तो फटाफट इसका ग्रो होने का वेट करते हैं और इसको अंदर डालते हैं। 2000 years later. तो गाइस काफी देर तक इसका इंतजार करा मैंने कि कब ये सीड उगे और कब मुझे वीट मिले, लेकिन फाइनली मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने भाई 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 ये देखो भाई पिग नीचे गिर जाएगा भाई, भाई पिग बिल्कुल एज पर खड़ा है भाई, वो देखो। अच्छा चलो सही हो गया भाई, मैंने एक डीकम्पोजर बनाया और उसकी मदद से कर लिया, बिकॉज भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैं 3 मिनट तक तो वेट कर चुका था भाई एक एक करके आराम से। भाई मेरी शीप की वैरायटी देखो भाई तुम, ये देखो शीप की वैरायटी देखो भाई, आराम से आओ भाई एक एक करके, धक्का मुक्की नहीं आराम से भाई। ये दो शीप यहाँ पे फंस चुकी हैं, इनको मेरे को सेटल करना पड़ेगा, रुको इसको थोड़ा साइड करता हूँ और अब इसको बुलाता हूँ। काव अंदर आ गई है, वो शीप फिर से वहां पे फंस गई है भाई। चलो चलो अब इजी इजी इजी, चलो तो ये आ चुकी है, अब फटाफट से गेट बंद कर देता हूँ। देख सकते हैं हमारी सारी शीप और काव आ चुकी है अंदर, तो मैंने शीप और काव को एक साथ डाल दिया और अभी पिक का गाइस हमारा इंतजाम नहीं हुआ है। देख सकते हो हमारे पास 3 पिग है, पिक का नहीं हुआ है बिकॉज मेरे को अभी तक कोई गाजर नहीं मिली है। तो जब से भी मैं पिक को गाजर मिल जाएगी तो मैं पिक को भी इधर डाल दूंगा और अब मैं इसको हटा सकता हूँ। ओके इसका अपना काम हो गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आई थिंक अगली वीडियो में से पहले इस चीज़ को सोल्व भी कर दूंगा। ये जो मैंने नीचे बना रखा है ना, ये इसको मैं हटा के इसके ऊपर ऊपर एक लेयर लगा दूंगा इधर इधर, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वुड की कमी नहीं होगी ना भाई, अपने को मेन डर्ट की चीज़ है, डर्ट और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन है, वुड तो भाई ईजी है। ये देखो एक पेड़ उगी, अब जैसे ही मैं बहुत सारे पेड़ उगा के इनको इजीली फार्म कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हमारी प्रोग्रेस कैसी लगी पहली वीडियो में गाइज, इतनी मस्त प्रोग्रेस करी हमने। तो गाइज आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको कैसे मेरा आइडिया लगा कि मैंने कैसी चीज़ें बचाई हैं, ऐसे मैं फ्यूचर में भी करने वाला हूँ और एकदम मस्त वन ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, सारे जहाँ पे भी तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट है सारे सब पे जाके शेयर कर दो ये वाली वीडियो, ताकि हमको अच्छे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स मिले और हमारे चैनल ग्रो हो सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।